मौजूद हैं प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आबकारी मंत्री प्रसाद लाल जी मीणा साहब, इनसे हम बात करेंगे। लालसोट विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं उनको लेकर। सर, पिछले विधानसभा चुनाव में जो आपने वादे किए थे वो वादे पूरे हुए हैं, उनसे अधिक काम हुआ? वादों से भी डबल काम किया हमने, कई चीज़ों का वायदा नहीं किया था वो काम भी किए हैं जनहित में। जैसे ईडीएम का नहीं किया था, एडिशनल एसपी का नहीं किया था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नहीं किया था, एमसीएच का नहीं किया था, नर्सिंग कॉलेज का नहीं किया था, ये वादे थोड़ी थे हमारे। पर ये हमने वादों से भी आगे वादे तो पूरे किए ही हैं, कई वादा हमारा अधूरा नहीं है, पर वादों से भी बढ़ के जनहित में लालसोट के विकास के लिए हमने और भी बड़े काम किए। जो मैं बता रहा हूँ ऐसे काम किए हैं जो पूरे लालसोट के लोगों के लिए एक बहुत लंबे समय तक काम आएंगे, लोगों को उससे मान प्रतिष्ठा मिलेगी, इलाके के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा कामकाज के लिए, और आने वाला समय लालसोट का उज्ज्वल भविष्य, आने वाले समय में लालसोट की आने वाली पीढ़ी जो हमारी नई जनरेशन है उसका भविष्य उज्ज्वल होगा। सर, लालसोट जो विधानसभा क्षेत्र में आपने विकास कार्य करवाए हैं उनमें आपने सरप्राइज दी है, यानी कई जगह लोगों को विकास कार्य करवाने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ आपने एडीएम, एएसपी, डीएच, एमसीएच ऐसे कई तमाम बड़े काम किए हैं, क्या जिले की भी कभी सरप्राइज मिलेगी लालसोट? देखो, जिले की बात लोगों की मांग थी नहीं, अगर कोई मांग आएगी चुनाव में तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और भी जिले बनाने की जरूरत होगी, लालसोट के लोगों की डिमांड होगी, जनता चाहेगी तो अशोक गहलोत जी दोबारा सीएम बने तो लालसोट के लोग चाहेंगे तो जिला बनेगा, चाहे कहाँ दिक्कत है लालसोट के लोग, अगर अभी भी चाहते तो बनता, लालसोट के लोगों ने कभी बात ही नहीं की जिला बने हमारे। एडिशनल एसपी और एडीएम इन लोगों इन अधिकारियों की जरूर मांग करते थे हमारे वकील साहिबान, उनकी मांग को हमने पूरा कर दिया, आगे कोई मांग आएगी तो उस पर विचार करेंगे। इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रैलियां हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं और लगातार उनके दौरों में वो इंडिविजुअली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमलावर रहते हैं, यानी कांग्रेस पे हमला नहीं करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे। देखो, मैंने कल भी कहा था तो मुख्यमंत्री से मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री 10 बार आ गई, 50 केंद्र के मंत्री लगा रखे हैं, 200 विधानसभा में 200 बाहर के एमएलए लगा रखे हैं, 10 मुख्यमंत्री लगा रखे हैं बाहर के। अशोक गहलोत इतना ताकतवर है, उसकी योजना इतनी ताकतवर है, इतना लवाजमा प्रधानमंत्री को लगाना पड़ा है, और ये लवाजमा लगाना पड़ा है उनकी मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सुपड़ा साफ हो रहा है सब जगह से, जो अशोक गहलोत की जो नीतियाँ हैं जिस तरह की उन्होंने जनता को राहत दी है, तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत का आज वर्चस्व बढ़ा है, एक आदमी के मुकाबले के लिए देख लो कितना लवाजमा लगा रखा है, इससे भी पार नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी जब तक अपनी गलतियों के लिए माफ़ी नहीं मांगे, गैस सिलेंडर 400 रुपये का नहीं करे, डीजल का भाव 50 रुपये वापस नहीं करे, पेट्रोल का भाव वापस नहीं कम नहीं करे 70 रुपये, जब तक प्रधानमंत्री को देश की जनता माफ़ नहीं करेगी, राजस्थान की जनता तो कर ही नहीं रही माफ़, देख लिए चुनाव शुरू नहीं हुआ उससे पहले प्रधानमंत्री 10 दौरे कर लिए, क्या मजबूरी है, क्या देखे गए प्रधानमंत्री जी, उनको अपनी गलतियाँ स्वीकार करनी पड़ेगी, 10 साल तक जनता की जो जेब काटी उस जेब को उसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी, जैसे किसानों से माफ़ी मांगनी पड़ी उनको, वैसे माफ़ी मांग के इन सब चीज़ों की रेट को वापस लेना पड़ेगा तो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी कोई राजस्थान में कोई वोट देने वाला नहीं है, राजस्थान में नहीं, ओपीएस इन्होंने बंद किया, हमने चालू किया, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राज्य सरकारें हैं उनको सबको ओपीएस लागू करना चाहिए, अशोक गहलोत में ही दम है, पूरे देश में ओपीएस लागू किया और उसके बाद दूसरे राज्य ने किया, बीजेपी ने अगर राज्य ओपीएस लागू नहीं किया अपने प्रदेशों में तो बीजेपी का आने वाले समय सुपड़ा साफ हो जाएगा। वसुंधरा जो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे उसको भी साइडलाइन कर रहे हैं? वसुंधरा जी का उनका वो उनके अंदर अंदरूनी मामला है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। कल बीजेपी ने एक पोस्ट की थी जिसमें राहुल गांधी हैं जो कांग्रेस नेता, उनको राउंड बना के मतलब उसकी फोटो पोस्ट की है। कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, पर राहुल गांधी ने दिखा दिया कर्नाटक में जो पैदल यात्रा की, पदयात्रा की, कर्नाटक में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, राजस्थान में होने वाला है, जहाँ भी चुनाव के बताए ना, अशोक गहलोत से अकेले से लड़ने के लिए कितने लोग लगा रखे हैं, 50 मंत्री, 10 बार प्रधानमंत्री, 10 मुख्यमंत्री, 200 एमएलए हर विधानसभा में एमएलए लगा रखे हैं बाहर की, इससे देख लीजिए अशोक गहलोत का वजूद कितना बड़ा, उनकी नीतियाँ कितनी मजबूत है, जो प्रधानमंत्री कितना लवाजमा भारतीय जनता पार्टी को लगाना पड़ा है, प्रदेश जो ऑल इंडिया का इनका बीजेपी का अध्यक्ष है वो भी 5 बार जयपुर में आ चुका, अमित शाह भी आ चुके, कोई आए जब तक ये अपनी गलतियों के लिए माफ़ी नहीं मांगे, जैसे किसानों से माफ़ी मांगी उस तरह देश की जनता से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, हमने एक्साइज ड्यूटी लगा के जो गैस और तेल के भाव बढ़ाए उस
उसको वापस नहीं लेंगे, इनको कोई माफ करने वाला नहीं है। राजस्थान के साथ अन्य राज्यों में चुनाव हुए लेकिन फोकस राजस्थान पे ज्यादा है, क्या राजस्थान में इनको डर लग रहा है? राजस्थान में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है और वसुंधरा जी को साइड ट्रैक करेंगे, जो भी करेंगे इनका काम है, वो इनके पार्टी का मामला है और इनमें कोई ऐसे नेता नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री को खुद आना पड़ रहा है। अशोक गहलोत से मुकाबला, अशोक पीएम वर्सेज सीएम है यहाँ राजस्थान में, और देखना सीएम की नीतियां ज्यादा कारगर है या पीएम की नीतियां कारगर है, ये राजस्थान की जनता फैसला करेगी। वर्षों से जो एक परंपरा चली आ रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस 25 सालों से, क्या लगता है इस बार ये परंपरा टूट के रिपीट? ये परंपरा निश्चित रूप से टूटेगी। सरकार ने जो काम किए, चाहे 25 लाख रुपए का फ्री इलाज हो, किसान का बिजली का बिल माफ हो, डोमेस्टिक बिजली का बिल माफ हो, लोगों को पेंशन बढ़ाने का मामला हो, 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, ये जो राहत दी है लोगों को महंगाई से राहत का जो काम है, नए हमारी जो बच्चियां हैं 9th से MA BA तक की जो लड़कियां हैं उनको हम मोबाइल दे रहे हैं, आज उनको मोबाइल से उनको निश्चित रूप से अशोक गहलोत की जो नीतियां हैं वो कारगर है, इसलिए प्रधानमंत्री ने इतना जोर राजस्थान पे लगा रखा। तो ये हैं सूबे के प्रदेश के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल जी मीणा साहब, जिन्होंने कहा कि जो वर्षों से एक परंपरा चली आ रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की, उस परंपरा को तोड़कर इस बार पुनः कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। लालसोट से इंडिया न्यूज़ के लिए महेश बोर्रा।